हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को वीवो V20 Pro 5G में दो बहुत बड़े प्रॉब्लम बताने वाला हूं। वीवो ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है वीवो V20 Pro 5G और इसका 8GB रैम 128GB रोम का प्राइस है 35,999 यानी कि 36,001 रुपया कम। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या है वो दो प्रॉब्लम। लेकिन उससे पहले अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ देख लिया होगा तो आप सोच रहे होंगे यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको तो कुछ बताया नहीं गया होगा अनबॉक्सिंग वगैरह में। तो मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन दोस्तों अगर आपको पता नहीं है कि इसमें आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 1300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। पीछे के साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 64MP का मेन सेंसर, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो सेंसर और रियर में आपको मिलता है 32MP का सेल्फी कैमरा जो कि पंच होल में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 6.56 इंच का फुल HD प्लस एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और 3D कर्व डिजाइन है इसमें। और दोस्तों बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 4830 mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है और 66W का इसमें आपको फ्लैश चार्जिंग देखने को मिल जाता है। आपका स्मार्टफोन तुरंत जादू की तरह चार्ज हो जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को और एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि इसका मैं कलर चेंज करता रहूँगा पीछे का बैक का हरा पीला नीला, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको ब्लू कलर देखने को मिल जाता है और ब्लू कलर से आप चेंज कर सकते हो डार्क ब्लू और डार्क ब्लू से फिर ब्लू, ये दो ही कलर आप चेंज कर सकते हो और कोई भी कलर आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें दो प्रॉब्लम क्या है। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। ऐसे स्मार्टफोन में प्रॉब्लम ढूंढना बहुत मुश्किल का काम है और हम लोग करते हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस स्मार्टफोन को आपने सब कुछ देख लिया होगा लेकिन क्या आपने इसमें 3.5mm ऑडियो जैक देखा? तो ये है एक प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको वीडियो बनाने के लिए लेंगे क्योंकि इसमें आपको कैमरा बहुत नेक्स्ट लेवल का देखने को मिल जाता है, OIS कैमरा। लेकिन इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक ही नहीं मिलता है जिससे साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन और भी तरीके से कर सकते हैं, आपको केबल वगैरह लेना पड़ेगा इसका। तो दोस्तों ये है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम की बात करें तो इसका डिज़ाइन को आप साइड में रख कर के देखो, क्या इसमें आपको 36,000 में अच्छा स्मार्टफोन मिल रहा है? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, IQ कंपनी जो इसका ही सब ब्रांड है उसमें आपको 33,000 में IQ9SE मिल जाता है जिसमें आपको 888 Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। कहाँ नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर और कहाँ ये 1300 का प्रोसेसर। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिज़ाइन दिखा करके ओवर प्राइस कर दिया है इस स्मार्टफोन को। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।